वाह, बहुत मजे का। और अच्छा खाना किसको अच्छा नहीं लगता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका शेफ इकबाल शाह। अच्छा खाना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको बहुत से लोग फरमाइश करते हैं कि टॉप के रेस्टोरेंट या होटल वाली डिश किस तरह हम बना सकते हैं। तो आज आपके साथ अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रहे हैं, लाल किला की चिकन टिक्का मसाला। तो चलिए किचन में आगाज करते हैं कुकिंग का। चिकन टिक्का मसाला की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले शामिल करते हैं दही, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून आधा चाय का चम्मच, और लेमन जूस 3 टेबल स्पून। ऐड करने के बाद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और इसी के अंदर ऐड करते हैं चिकन बोनलेस, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और शामिल करते हैं नमक हसबे जायका। जी दोस्तों, आग जला चुके हैं। आग वैसे जिंदगी में बहुत अहम होती है, और प्रोसेस का आगाज करते हैं। जितनी आग कम होगी उतना अच्छा हमारा टिक्का पकेगा। यस गाइस, बात कुछ ऐसी है, चिकन टिक्का हो चुका है तैयार। मीट जितना जूसी हो उतना यम्मी डंपिंग लगता है, तो इसे निकाल लेते हैं। टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल शामिल किया, शामिल करते हैं बारीक कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, काली मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, और नमक शामिल करने के बाद करनी इसकी बुनाई। प्यूरी 1 कप फुल। चिकन के हम कर लेते हैं 2-2 पीसेस, इसी तरह सब चिकन के 2-2 पीस कर लेना है। जी दोस्तों, अब इसके अंदर ऐड करते हैं चिकन टिक्का जो हमने पहले ही कुक कर लिया था। ऐड करते हैं फ्रेश क्रीम और मिला लेते हैं सूखी मेथी 1 चाय का चम्मच। लाल किला से सीक्रेट रेसिपी शेयर की चिकन टिक्का मसाला। थैंक यू, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर कीजिए। लेते हैं इजाजत, दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना, टेक केयर, बाय।